सिंपल क्या हो गया तू? सिंपल आदो कहाँ आए हो तुम? रांची आई हूँ। रांची किसके पास आए हो? नानी के घर। नानी के घर आए हो? नानी के घर में पहला मॉर्निंग आदू का है ना मामू के साथ। शूज भी पहना दो मामू, शूज पहना दो। उधर है, उधर है मिकी माउस शूज। इधर है, यहाँ टेबल पे है। उल्टा नहीं पहना रहे हो? नहीं ठीक है, मिकी माउस है उसका। देखो ना उसका टंग रेड कलर का है। आदू का टंग किस कलर का है? पिंक कलर का है। और मिकी माउस का टंग किस कलर का है? रेड कलर का। ग्लव्स पहनना है क्या? कैप आदू सही से नहीं पहने हो तुम। ओके हाय गाइस कर दो सबको। बाय गाइस। बाय गाइस। नहीं देखते मामी क्या कर रही है। कहाँ है इसको? कहाँ है? कौन कहाँ है? और यहाँ पे भाभी है चाय बनाते हुए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अदरक कूटा जा रहा है यहाँ पे। अदरक कूटा चुके हैं। ये है गोल की। अच्छा गोल की काली मिर्च। तो चेहरा तो दिखा दो अपना इधर। देखिए मेरी हीरोइन भाभी को सुबह सुबह ऐसे सुबह सुबह उठ के। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ठीक नहीं बहुत अच्छी हूँ मैं भी। और आज हमारी रांची की जो है वो पहली सुबह है। 30th आज दिसंबर है और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मम्मी तो ऑफिस चली गई, उनका तो ऑफिस से टाइम होता है 9:30 के करीब हो रहा है अभी। एंड हम लोग 10-15 मिनट पहले ही सब लोग सो कर उठे हैं। कल बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, बहुत पूरा दिन भर जर्नी एंड ऑल। रात में गप मारना बैठ गए थे तो 2 बजे तक गप ही चला हम लोगों का। और लेट से सोए इसलिए लेट से उठे हैं। और यहाँ पे भाभी चाय बना रही हैं एंड उधर आदू को तो सब काम अब मामू से कराना है, उसको अब पापा मम्मी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो आज हमारी रांची में पहली सुबह है इस वाली जर्नी की और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देखते हैं आज का दिन कैसा बीतता है, क्या क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, सब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो अभी के लिए हम लोग चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। चिकन आदू व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा यू आर प्लेइंग विद आयरन मैन? Yeah. ये कौन सा है? क्या है? ब्लू। ब्लू है ठीक है। और ये है कौन? कौन आदू है? तुम किसके साथ खेल रहे हो? आदू ये कौन है? आदू सुनो इधर देखो, ये कौन है? ये कौन है? मैं कौन हूँ? मम्मी। और वो कौन है वहाँ पे, कौन बैठा हुआ है? वो कौन है? वो तो सोफा है। सोफा नहीं बेटा, ये जो दिख रहा है ये व्यक्ति जो बैठा है दिख रहा है? ये मामू है। ये बोले कि मामू व्यक्ति है। ऑन कर दो। नहीं ये वाला ऑन करने से ना ये बल्ब खराब हो गया है। देखे थे कैसे आवाज कर रहा था। अच्छा सुनो ना आदू, पापू कहाँ गए? पापू रूम में अकेले के पास बीच में। क्या कर रहे हैं? पापा रिमोट से देख रहे हैं। रिमोट से देख रहे हैं? क्या पापा क्या कर रहे हैं? हम लोग नानी घर आए। हम लोग नानी घर आए। अच्छा बता रहे ओके। मजा आ रहा है नानी के घर में। अच्छा सबको किसी, अच्छा सबको किसी का दो फिर हम लोग खेलेंगे। बोला बोला
स्कूल खत्म होने के बाद जो आखिरी का 10-15 मिनट होता है ना लाइन मरोगे डब्ल्यू वैसे ही कर रही आदू मामू क्या बोल रहा है सुनो तो आदू डब्ल्यू बोलो डब्ल्यू फॉर वॉच ए फॉर एप्पल नहीं ए फॉर आदू नहीं ए फॉर आदू ए फॉर आदू होता है बेटा ए फॉर आदू भी होता है ए फॉर एप्पल भी होता है ए फॉर अदरक भी होता है अरे पैन में लगा उसका डब्बा लेकिन हम रखे थे कि हम उसी में रखेंगे ब्रेकफास्ट मैं और भाभी मिलकर तो आज बनेगा सत्तू पराठा और चटनी धनिया पत्ता की सो धनिया पत्ता की जो चटनी है आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इतना फ्रेश यहाँ पे धनिया पत्ता मिलता है मतलब उफ मतलब हम लोग ना तरस जाते हैं ऐसे धनिया पत्ता के लिए सच पूछो तो इतना फ्रेश लग रहा है ये सो बस अभी चटनी बनेगी सत्तू का पराठा बनेगा इसके साथ एंड मम्मा ने वो करके गई है वो मसाले वगैरह जो होते हैं ना सत्तू के वो रेडी करके गई है तो वो रेसिपी तो आज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि किसी और दिन अगर बनेगा तो मैं स्टार्टिंग से पूरा रेसिपी शेयर करूँगी सत्तू पराठा का और दोपहर में बस सिंपल सा खाना खाएंगे क्योंकि कल भी बाहर बाहर रह गए हैं तो आज मन कर रहा है कि सिंपल घर का खाना प्रॉपर जो होता है ना वो खाने का तो दिन में भी दाल चावल वगैरह बनेगा एंड बस यही है एंड मैंने ओढ़ लिया देखिए मम्मा का शॉल तो मैं राखी जब भी आती हूँ तो मम्मा का स्वेटर मम्मा का शॉल ये सब यूज करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब इसकी बात ही कुछ और होती है बहुत कोजी कोजी फील होता है और ये देखिए मम्मा मम्मी के पास एक से एक कलेक्शन होते हैं साड़ी के शॉल के ये सब चीज के सो बहुत अच्छा लगता है और आदू बहुत इंजॉय कर रहा है अभी तो खैर लगा हुआ है मुझे उतनी टेंशन नहीं है उसकी कि क्या कर रहा है क्या नहीं उसको दूध दे दिया है पॉटी वगैरह सब कुछ फ्रेश हो गया है वो आज देखती हूँ अगर नहलाती हूँ तो ठीक है नहीं तो आज सोच रही हूँ कि छोड़ ही देती हूँ आज नहलाना उसको क्योंकि एक तो क्लाइमेट भी चेंज हुआ है ना सो उस वजह से बस फेस वॉश किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने भी शावर नहीं लिया है सो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाएगा उसके बाद शावर लूंगी क्योंकि ठंड भी है और थोड़ा सा इधर का काम हो जाए उसके बाद सो चलिए फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करते हैं खाते हैं और मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से रेडी होने के बाद किसने दिया ये कार कौन दिया ये मामू दिया थैंक यू बोले मामू को थैंक यू बोल दो आदू थैंक यू बोलो से हाय गाइस हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सारा व्लॉग देखते हैं सारा व्लॉग देखो तो ये है पलक
और ये है छोटी। सो गाइज, आज का जो दिन है वो ऐसे बीत गया हमारा, एंड सुबह के बाद मैंने बोला था कि थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी, बट मिल नहीं पाई क्योंकि फिर हम लोग बस आदू को सारा कुछ उसका करके और सुला दिया था, एंड हमने भी लंच करके और फिर हम लोग भी सो गए थे। शाम को उठे, फिर मम्मी आई हैं, एंड पूरा सब लोग सिर्फ आदू में बिजी है। वो एकदम एंटरटेनमेंट पैकेज बन गया यहाँ पे सबके लिए, पूरा अपना तरह तरह से जो जो करता है सबको दिखा रहा है। अभी भी हमारे नेबर से एक पलक एंड वो हैं, छोटी हैं, तो वो लोग आए हुए हैं जो अभी थोड़ी देर पहले क्लिपिंग्स देखी है, तो उन लोगों के साथ वो अभी इंजॉय कर रहा है एंड मैं इंजॉय कर रही हूँ चाय। तो सोचा कि आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ और ये ब्लॉग को यहीं पर एंड भी करूँगी क्योंकि अभी कुछ होगा नहीं। आज हम लोग का पूरा रेस्ट डे चला गया क्योंकि भाई भाभी भी कल ही पहुँचे हैं यहाँ पर और वो लोग भी ड्राइव करके आए हैं हैदराबाद टू रांची। सो वो लोग भी काफ़ी थक गए थे इस वजह से आज हम लोग कहीं गए भी नहीं बाहर और थोड़ा सा फैमिली टाइम बस स्पेंड किया। मम्मी भी शाम को आई है ऑफिस से एंड बस यही है। 7:30 के अराउंड हो रहा होगा, मैंने टाइम भी नहीं देखा है और आदू पूरा बिजी है। वो भी आराम कर लिया है, वो भी फ्रेश हो गया है और हम लोगों ने भी थोड़ा सा दोपहर को आराम कर लिया था। नींद काफ़ी आ रही थी और ठंड इतनी है यहाँ पर पूछो मत, मतलब पुणे के मुकाबले तो डबल ठंड है यहाँ पर बिल्कुल भी, बट अच्छा लग रहा है। एंड कल देखते हैं कल क्या होता है, आई डोंट नो कल क्या होगा। जो भी होगा आप लोगों से शेयर करूंगी जरूर कल का भी ब्लॉग। एक्चुअली मैंने आप लोगों से डिस्कशन भी नहीं किया था ना कि मतलब हम लोग को आना है रांची, ऑल ऑफ अ सडन प्रोग्राम बन गया हम लोगों का आने का, मतलब था तो लेकिन कुछ वजह थी जिसकी वजह से हम लोग नहीं आ रहे थे, बट फिर अचानक से टिकट वगैरह हो गया एंड हमारा प्लान नहीं था। और अगर आप प्लान पहले से नहीं बनाते हो तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी होती हैं। वो सब में लगने में फिर मैंने 2-3 दिन इधर ब्लॉग नहीं बनाया। आदू का बर्थडे भी था, उसके बाद सारा कुछ घर वगैरह अरेंज करना एंड ऑल द थिंग्स, वो सब में मैं लग गई थी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अब ये सब करके आराम से जब रांची पहुंचूंगी, मतलब रांची जिस दिन जाना होगा उसी दिन से स्टार्ट करूंगी, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और वैसे भी जो आदू के बर्थडे का ब्लॉग एंड एक दो और आगे का ब्लॉग मैंने बनाया था वो सब मैं पोस्ट करते जा रही हूँ साथ ही साथ। तो बस यही है और ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी और मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। देन टेक केयर गाइस, बी हैप्पी एवरीबॉडी, सी यू सून। और मैं एंजॉय करती हूँ अपना चाय और फैमिली टाइम। होप आप लोगों का भी टाइम जो है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा। न्यू ईयर की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और होप कि इस साल जो आने वाला साल है वो अच्छा बीते, सबके लिए अच्छा बीते, सबके लिए अच्छी खुशियां लेकर आए ये साल 2021। तो चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ, बाय बाय। गीला करिए सही जवाब क्या? अभी तो वो बोलेगा सही जवाब। व्हाट? तो मेरे कंपटीटर हो क्या? ये पानी ऐसे गिर जाए तो तुम गिराते हो तभी तो गिरता है। हाँ तभी तो गिरता है। हाँ वही तो गिरता है। ये क्या है? बताओ क्या है? यही बोलने के लिए तो यहाँ लाओ बॉटल रख दो। तो अच्छा पापा कैसे कुछ खाते हैं? बीफो बटरफ्लाई यहाँ आदू के लिए दूध बनाते। पापू कितने क्यूट है ना? हाँ, ये कितना क्यूट है। कौन क्यूट है? ये वाला। तुम कहाँ आए हो? बटरफ्लाई। आदू कहाँ आया है? नहीं बटरफ्लाई नहीं है। तो कौन बटरफ्लाई? आदू कहाँ आया है? अच्छा नानी क्या पूछ रही है आदू का? अच्छा बाय कर दो सबको, गुड नाइट बोल दो सबको। गुड नाइट, गुड नाइट। आदू कहाँ आया है? आदू कहाँ आया है? नानी घर। नानी घर। आदू आप किसके साथ खेल रहे हो? आदू ये कौन है? ये कौन है? ये मौसी। ये मौसी है। अच्छा सबको बाय कर दो अब। बाय, सी यू बोल दो। और फ्लाइंग किस कौन देगा? देखने के लिए बेचैन थी। ओके चलो।